नमस्कार, नीतिकर कलाकृति में आपका स्वागत है। सर्दियों में संतरे बहुत मीठे आते हैं, तो क्यों ना आज इसकी एक पुडिंग बनाई जाए। चलिए मेरे साथ बनाइए ऑरेंज खीर। इसके लिए आपको चाहिए 4 से 5 संतरे, दूध, चीनी, मिल्क पाउडर, चावल और कुछ ड्राई फ्रूट्स। चावल को पानी में भिगा दीजिए और दूध को गैस पर उबलने रख दीजिए। इसे मीडियम हीट पर चलाते रहें जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसमें अब आप मिल्क पाउडर डालिए। मिल्क पाउडर डालते हुए ध्यान रखें कि इसको हमें लगातार चलाना है जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। इस तरह से इसे 10 मिनट के लिए पकाइए। अब इसमें हम चावल का पानी निकालकर चावलों को डाल देंगे और इसे मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए फिर से 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये चावल फूल ना जाए और गाढ़े ना हो जाए। फिर इसमें आप चीनी डालिए। चीनी डालने के बाद ये फिर थोड़ा सा पतला हो जाएगा, इसलिए फिर हम इसे एक बार फिर पकाएंगे। जब ये ऐसा हो जाए तब इसे आप आंच से उतार दीजिए। 4 संतरों का जूस निकाल लीजिए और 2 संतरे के चंक्स यानी कि पीसेस छीलकर अलग रख लीजिए। जूस के अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे जिससे इस जूस का खट्टापन दूर हो जाए। इसको एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, अगर चीनी कम लगे तो चीनी और डाल दीजिए। अब आपकी खीर बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए। जब खीर ठंडी हो जाए तब आप इस जूस को इस खीर के अंदर मिला दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और अब इसमें ये जो ऑरेंज के पीसेस थे या चंक्स थे इनको भी इसमें मिला दीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालिए। और इसे आप ठंडा या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सर्व कीजिए। आपकी ऑरेंज पुडिंग तैयार है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।